हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 करेंगे, विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, एंड फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये तीन टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकेंड इज SI यूनिट, एंड थर्ड वन इज एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहले हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब ना इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना हम यहाँ से इतना ज़्यादा अदर कंट्रीज में विजिट करते थे। तो उस टाइम पे क्या था, जो भी यूनिट्स थी सब ने अपने अपने कंट्री के हिसाब से बनाई थी। हम यहाँ पे इंडिया में अलग यूनिट्स पढ़ते थे, बाहर की अदर कंट्रीज में अलग यूनिट्स पढ़ते थे। फिर उसके बाद में जब हम लोग यहाँ से वहाँ जाने लगे या वो लोग जब यहाँ वहाँ से यहाँ आने लगे, तो उस टाइम पे क्या होता था, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो हम यहाँ पे मास जब पढ़ते हैं तो जी में यानी कि किलोग्राम्स में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वहां पे मास को पाउंड बोला जाता था। तो इससे क्या होता था कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। या तो हमें दोनों का पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है और अदर कंट्री में जिसमें भी हम विजिट करने जा रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेड यानी कि व्यापार जो होता है, तो उस टाइम पे ये मेनली प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो ये कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि हमें एक ही यूनिट होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि जब हम पढ़ेंगे तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक लिमिटेड मटेरियल होगा और जो ट्रेड करते हैं लोग उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सारी कन्फ्यूजन का ऑल ओवर सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास टॉपिक आया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे जो नीचे मैंने आपको दे रखा है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वर्ल्ड के, वहां पे जो यूनिट्स का यूज किया जाता है, ये पहले का चार्ट है जिसमें ब्रिटिश में FPS सिस्टम यूज होता था, यानी कि फुट, पाउंड और सेकेंड। ये यहाँ पे मेजरमेंट लेंथ की है, ये मास की है और ये टाइम की है। सेम फ्रेंच में CGS सिस्टम था, सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड, एंड इंडिया में MKS सिस्टम था, मास M यानी कि मीटर में, और लेंथ जो मीटर में, सेकंड मास इज केजी में, और टाइम हमारा सेकंड में। तो ये पहले के टाइम पे दे रखा था। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे तीनों के लिए यहाँ पे यूनिट्स ये सेम है, जो क्वांटिटीज है, लेंथ है, मास है, टाइम है, ये तीनों से सब जगह सेम है। लेकिन इनकी जब मेजरमेंट की बात आई तो यहाँ पे ब्रिटिश में हमने इसको इनसे मेजर किया, फ्रेंच में हमने इससे मेजर किया, और इंडिया में हमें इससे मेजर किया। आपको ये जीके के लिए पता होना चाहिए कि ब्रिटिश में कौन सा सिस्टम था FPS, फ्रेंच में CGS और इंडिया में MKS। तो वो सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक नया सिस्टम आया जिसे हम बोलते हैं SI यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आपको ये तो पता ही है कि यूनिट्स होने का हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि अगर आपने एक नंबर के साथ में यूनिट लिख दी तो वो अपने आप में ही पूरा वर्ड बता देता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं या किस सब्सटेंस का हमने इसमें यूज किया है। तो अब आप सोचेंगे जब SI यूनिट मैंने शॉर्ट में लिखा है और फुल फॉर्म में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों लिखा है, IS होना चाहिए था ये SI की जगह। तो ऐसा इसलिए क्योंकि SI यूनिट्स ये जो टर्म है हमारी, ये हमारी फ्रेंच से आई थी, फ्रेंच का वर्ड था सिस्टम है इंटरनेशनल द यूनिट्स। तो इसको जब आप शॉर्ट में लिखेंगे तो SI सिस्टम होता है, इसलिए हमने इसको SI यूनिट लिखा हुआ है। और ये हमारी एक मॉडर्न फॉर्म होती है मेट्रिक सिस्टम की। SI यूनिट हमारे लिए एक जो हमारी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी उसको दूर करने के लिए एक वन ओनली वे था। तो इसमें हमारी जो SI यूनिट हमने पढ़ा, तो इसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ा जो कि जिनको मेजर किया जा सकता है और जो अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स थी, तो ये टोटल 7 थी। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब आगे बहुत रिसर्च हुई तो उसके बाद में दो और यूनिट्स को हमने इसी में ऐड किया, क्योंकि हमें पता चला कि वो जो दो क्वांटिटीज थी उनको भी हम किसी और चीज से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए और कोई वे नहीं होता। तो इसलिए इनका एक अलग ग्रुप बना दिया। तो मेनली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी जिनको हमने इसमें ऐड किया। तो ये आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दे रखी हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इज
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, सिक्स वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपके लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी थोड़ा सा नया वर्ड होगा, ल्यूमिनस या ल्यूमन वर्ड आपने एलईडी लाइट्स पे या फिर ऐसे जो कोई चमकने वाली चीज होती है उन पे देखा होगा, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमक। अब उसके बाद में आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये सेवन हमारे पास क्वांटिटीज हैं, इनके सामने इनकी यूनिट है और उसके साइड में इनका सिंबल है। जब लेंथ की बात करते हैं तो उसकी यूनिट है मीटर और सिंबल हमारा एम, स्मॉल एम। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये यूनिट्स हैं हमारी, ये हमारी स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई हैं और जो हमारे सिंबल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सारे स्मॉल लेटर्स में हैं। बस दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके हमने सिंबल जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके नाम इनके साइंटिस्ट पे थे, तो जब कभी भी अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट साइंटिस्ट पे होगी उनके, तो उनका जो सिंबल होगा वो हमारा कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके अलावा आप सिंबल जितने भी होंगे वो स्मॉल लेटर्स में, और यूनिट्स को भी आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखते टाइम पे हम बहुत बार ये ऐसी गलती कर देते हैं। सो सेकेंड इज मास, मास की यूनिट हो गई किलोग्राम्स यानी कि केजी, इसका सिंबल हो गया केजी। थर्ड इज टाइम, टाइम की यूनिट है सेकेंड और सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और सिंबल उसका कैपिटल ए, क्योंकि एम्पियर वॉज अ साइंटिस्ट तो उनके नाम पे इसका सिंबल है ए। देन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक यानी कि थर्मल से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड बात हो रही है और ये टेम्परेचर, इसकी यूनिट है केल्विन। केल्विन भी एक साइंटिस्ट थे इसलिए इसका सिंबल भी आपका के कैपिटल होगा। देन नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस वर्ड जो है ये इसके लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ल्यूमिनस फ्लक्स, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली टर्म क्या है। अभी इसके लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो चमकने वाली चीजें होती हैं उसके लिए हम ल्यूमिनस वर्ड यूज करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो कैंडल है, इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे हमने इसके बारे में पढ़ा था तो उस टाइम पे लाइट के लिए हम कैंडल यूज करते थे, तो कैंडल से ये वर्ड आ गया आपका कैंडेला और इसका सिंबल हमने सीडी दिया। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कोई चीज कितनी है, तो उसके लिए ये वर्ड आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ने वाले हैं 11th 12th में, तो उसके लिए यूनिट यूज होती है मोल, एम ओ एल ई, और जब इसके सिंबल की बात आती है तो हम सिर्फ एम ओ एल लिखते हैं। तो ये थी आपकी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट एंड सिंबल। उसके अलावा जो दो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो ये हैं, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसमें क्वांटिटी आपको दे रखी है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और यूनिट आपकी प्लेन एंगल की रेडियन एंड सिंबल आर ए डी, एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टेडियन एस आर। जब मैं आपके लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ल्यूमिनस फ्लक्स की वीडियो लेकर आऊंगी तो उसी में ये दोनों टर्म्स भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, अब इस वीडियो में हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसका कार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा। जो हमारे पास एडवांटेज है, एडवांटेज मतलब कि जो हमने एसआई सिस्टम पढ़ा उसका हमें एक एडवांटेज तो सबको ही पता है कि इससे ये हो गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी चीजें सेम हो गई, यूनिट सेम हो गई, तो हमें कम से कम चीजें लर्न करनी पड़ी और हमारे लिए कंफ्यूजन जो थी वो पूरी तरीके से दूर हो चुकी थी। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं एसआई सिस्टम के, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मेन एडवांटेज इज दैट दे आर यूज्ड इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो देयर इज नो केस ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज इट इज मॉडर्नाइज्ड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। जो हमें एसआई सिस्टम मिला जिसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं या मास को केजी में मेजर करते हैं, तो ये यूनिट हमारा एमकेएस सिस्टम है। और आपको शायद से याद हो अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि एमकेएस सिस्टम हमारा इंडिया का ही सिस्टम है, तो उसी को मॉडर्नाइज करके ऑल ओवर द वर्ल्ड एसआई सिस्टम हम पढ़ते हैं और ये सब जगह सेम रहती है। अगर आप यहाँ पे हैं तो भी आपके लिए सेम है, अगर आप अदर कंट्रीज में जाते हैं तो भी आपके लिए ये सेम ही रहेंगी। सेकेंड वन इज एसआई सिस्टम जो है वो रैशनल सिस्टम है। इट मीन्स कि एक यूनिट के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ लें या फिर कोई भी आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि एनर्जी है, किसी भी टाइप की एनर्जी, तो वो हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, मैकेनिकल है, हीट है या इलेक्ट्रिकल है, तो ये सारी फॉर्म किसकी है, एनर्जी की।
अगर हमारे पास SI सिस्टम नहीं होता तो हमें मैकेनिकल के लिए अलग, हीट के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग यूनिट पढ़नी पड़ती। लेकिन अब हमारे पास SI सिस्टम है, इसलिए हमने ये जितनी भी एनर्जी की फॉर्म दे रखी है, चाहे वो तीन हो, चार हो, जितनी भी फॉर्म्स हो, उन सब के लिए हमारी एक सिंगल यूनिट होती है, दैट इज जूल। जूल्स में हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज SI सिस्टम जो होता है वो हमारा कोहरेंट होता है। उसके अलावा जो SI सिंबल जो होते हैं या SI सिस्टम में जितने भी सिंबल हम पढ़ते हैं वो सब फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते, ना टाइम के साथ, ना टेम्परेचर के साथ, ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। उसके अलावा जो SI सिस्टम है वो एक ब्रॉडर बेस है जिसमें 7 बेस यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स यानी कि यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स की बात हो रही है, और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, यहाँ पे उसको बताया जा रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो SI सिस्टम है उसमें इनको बहुत इजी हो जाता है कन्वर्ट करना। अब जैसे आपने देखा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 है, यानी 1 और 0 की फॉर्म है, और सेम ये भी 100 यानी कि 100। और सेम जब हम किलोमीटर्स की बात करते हैं तो उसमें 1000 आता है, तो उसमें भी यही 1 के बाद में 3 जीरोज हो गई। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि हर चीज, जितने भी हम यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, वो सारी यूनिट्स मल्टीपल हो जाती है 10, 100 और 1000। तो इससे हमारे पास कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है और इसकी लर्निंग भी इजी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।